अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। खाने में तड़का वे नन भाभी में हम आपके खिदमत में फिर से हाजिर हैं एक सबकी फेवरेट रेसिपी के साथ। तो भाभी आज क्या बना रहे हैं हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज, जबरदस्त। जिसके लिए हमने दो आलू लिए हैं, ठीक है, ठीक है, जिसको हमने इस तरह काट लिया है, ठीक है। और ये 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, ये जो है चिकन पाउडर लिया है हमने, चाट मसाला लिया 1 चम्मच हमने, ये केचप लिया है 1 चम्मच, 2 चम्मच जितना आपको पसंद हो, ठीक है। और ये हमने मायनीस लिया है। चले बनाते हैं। ये क्या डाली है? कॉर्नफ्लावर डाल लें, इसको इस तरह हमें यूं करके मिक्स करना है, चमचे की मदद से नहीं करिएगा क्योंकि इससे फ्रेंच फ्राइज अच्छे बनते हैं। हाँ, बहुत अच्छे बनते हैं इससे। थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जितनी ज़रूरत हो उतना डालिएगा। जब तक भाभी वो करी हैं तो हमने तेल पहले ही गरम पे रख दिया है, ठीक है। कितना घी होगा भाभी तकरीबन? तेल, तेल ये हमने 2 प्याला तेल लिया है, ठीक है। देखिए इस तरह हमने जो है मिक्स कर लिया, सब लगा दिया है। अब हम इसको इस तरह झाड़ झाड़ के और इस छन्नी में रख रहे हैं ताकि आपका ऑयल गंदा भी ना हो और जो है ख़राब भी ना हो और हाथ भी ना जले। हाथ भी ना जले हम इस तरह इसलिए रख रहे हैं क्योंकि तेल का काम तो बड़ा ख़तरनाक होता है। ठीक है, चले आइए हम डालते हैं तेल में। तेज़ आँच पे पकाना है? नॉर्मल आँच पे बनाना है, ना तेज़ ना हो, क्योंकि एक दफ़ा हमने तेज़ आँच पे घी गरम कर लिया, घी तेल जो भी हो आपका, इसको हम ढकेंगे 1-2 मिनट के लिए। जल्दी देर ढकेंगे? 1-2 मिनट। 1 मिनट हो चुके हैं इसको, हमने ढक्कन हटा दिया इसका, अब इसको हम खुला पकाएंगे, ठीक है। कितने मिनट? ये जब तक गोल्डन ना हो जाए। हमने इसको ढक के इसलिए पकाया था कि ये थोड़ा सा 1 मिनट की स्टीम में जो है ना गल जाएगा। अब हम इसको तेल तो ज़्यादा नहीं पिएगा? नहीं, तेल बिल्कुल ज़्यादा नहीं पिएगा। ये मगर सादे तलते हैं ना आलू, जैसे इसमें हम ना चावल का आटा लगाएं ना कॉर्नफ्लावर लगाएं तो ये घी ज़्यादा पी लेता है, ठीक है। आलू, हाँ, आलू ज़्यादा पी लेता है। चले अब हम इसको गोल्डन होने तक पकाते हैं। देखें तैयार है ये, हल्के हल्के गोल्डन हो गए, अब हम इसको निकाल लेंगे। छिड़केंगे आपने चिकन पाउडर छिड़का है और चाट मसाला छिड़का है, ठीक है। अब केचप डालेंगे। को हमने जो है दिखाओ इसको, देखे हमने इस तरह चॉपर में थैली में करके और केचप भर लिया था, अब इसको हम इस तरह डाल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। मेरी भाभी मुझे डांट रही थी कि मुझे लगा कि मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन जो है ना हो नहीं पाया सर्व करते हुए, पता नहीं कैसे बटन ही नहीं दबा। देखिए मायनीज जाएगा इसके अंदर, इसमें हमने मायनीज भी डाल दिया है, केचप भी और चाट मसाला, चिकन पाउडर, बहुत ही यम्मी बना है ये, बनाइएगा आप, अच्छे बनते हैं, पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ले 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 डैडी, ये खाएं खाएं खाएं, ले ले। थैंक यू भाभी, और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, अच्छा खाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, इसी तरह सोचिए जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में सोचें। तो इसी सोच के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कितना अच्छा व्यू है, चलें अल्लाह हाफिज़ भाई।